कैंपस माशाल्लाह बहुत अच्छा, फुली रेजिडेंशियल है। एक फीस के अलावा जीआईके में जो है ना स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली पीएचडी के लिए जिसे हम GA4 कहते हैं, उसमें आई थिंक अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है और अकोमोडेशन फ्री है और फीस नहीं है। आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल और आज मैं हूँ GIK गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। हम मेहमान हैं डॉक्टर नवीद के, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज के। बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है 3-4 माह पहले एज डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज। सही। और ये हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम फोटोनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, मॉडलिंग सिमुलेशन में, ऐसी साइंसेज जो इंजीनियरिंग में बहुत यूज़फुल हैं। और बेसिकली हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं हु आर वेरी गुड इन बेसिक साइंसेज एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर भी उनका स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, फिजिक्स भी, मैथ भी। तो ज़्यादातर यानी लेट्स से इनोवेशन रेडी इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमें आप यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं साथ चलेंगे, देखते जाएंगे उसको। कैंपस माशाल्लाह बहुत अच्छा, फुली रेजिडेंशियल है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ तकरीबन सब इधर ही रहते हैं कैंपस में। जो मैंने टक शॉप एरिया जो हम देखेंगे उसके पीछे की तरफ भी है रेजिडेंस और भी है, जो हमने अभी उस तरफ नहीं गए ना पहले, तो उस वजह से बड़ा एक यूनिक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बल्कि आप अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि आपको 24 घंटे एक्सेस होगी लैब्स की। अच्छा। होती भी है, प्रोफेसर भी रातों को आके लैब्स खोल रहे होते हैं अपनी काम के लिए, स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो मेरा वो काफ़ी एक यूनिक चीज़ है। सेफ्टी भी है। और सेमेस्टर कब स्टार्ट होता है? नॉर्मली ये अगस्त के एंड पे स्टार्ट होता है सेमेस्टर। एडमिशन आई थिंक टेस्ट वगैरह हो जाते हैं जून जुलाई में। सही। और देखिएगा मोस्टली अपने टेस्ट पे बेस्ड है जी। तो ये है साथ अब मेरी फैकल्टी है इंजीनियरिंग साइंसेस, जहाँ मैं अभी डीन का रोल प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम माशाल्लाह हमारा मास्टर्स प्रोग्राम भी है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, फोटोनिक्स और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में। तो हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स हैं अंडरग्रेड्स हैं। और अगर जो बैचलर्स के स्टूडेंट अभी जो 4 साल का बैचलर्स कर रहे हैं, उन्होंने मास्टर्स करना हो, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करती है, उनका थीसिस, ग्रेड्स? हाँ, टेस्ट एक तो वो देते हैं, उसका काफ़ी रोल होता है, और ग्रेड्स का है, फिर एक इंटरव्यू के काफ़ी पॉइंट्स हैं। अभी हमारा राउंड हुआ था, उसमें हम ऑफर करते हैं यहाँ पे GIK में GA1 इसे कहते हैं, जो कि असिस्टेंटशिप होती है। सही। मास्टर्स के लिए एटलीस्ट, तो हर फैकल्टी तकरीबन हर सेमेस्टर में 5-6 लोग इस तरह या इससे ज़्यादा लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा इंटरव्यू है और ग्रेड्स वगैरह ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। सही। तो यार इंटरव्यू में फिर हम उनका थीसिस वगैरह डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में, तो पैनल बैठता है, मैं था, हेड कर रहा था इस दफ़ा, प्लस ये एट द एंड दे शुड बी एबल टू डिफेंड इट बिफोर अ पैनल। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम डेफिनेटली उनको ऑफर करते हैं, और उसमें यह है कि GAs को टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाती है, फीस उन्होंने नहीं देनी और रेजिडेंस उनको मिलती है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बार्गेन। कुछ केसेस में स्कॉलरशिप भी है, और स्पेशली PhD के लिए जिसे हम GA4 कहते हैं, उसमें आई थिंक अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है
और एकोमोडेशन फ्री है और फीस नहीं है। सही, ये काफ़ी अच्छा बार्गेन है, स्पेशली रिसर्च, जब ग्रेजुएट स्टडीज़ में रिसर्च चाहिए होती है, कैंपस इतना सेफ, सिक्योर और कंप्लीट है कि आप दिन में भी यहाँ हैं, शाम में भी यहाँ हैं, यू कैन इजीली कम एंड जस्ट बी इन योर लैब, गो होम एट मिडनाइट और से क्लोज टू द मॉर्निंग, जो कि कर भी रहे होते हैं, आपको प्रोफेसर्स भी नज़र आ जाएंगे सुबह। सही, तो ये एक बड़ा यूनिक आपको मिलता है, आई थिंक काफ़ी अच्छा है, अभी इंशाल्लाह इसको हम और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। चलें इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है आपके आने से। सही, इसमें फर्दर अगर सीधा हम जाते तो स्टूडेंट रेजिडेंस दोनों इसी तरफ। डिफरेंट फैकल्टीज की बिल्डिंग फिर आ गई, प्यारी जगह, बारिश के बाद तो बिल्कुल सूख गया, कोई शक नहीं। ना ये राइट पे जितनी ये पहाड़ी है ना, ये सब कैंपस का हिस्सा है असल में, इनके टॉप पे फेंस होती थी वो जो है ना, तो मैं वहाँ तक जाता बैठ के ना, कई दफ़ा जब मौसम अच्छा होता था ना तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन अकेला जाके उधर बैठना। तो ये हमारी ब्रेबर्स बिल्डिंग है जो पहले रेक्टर थे, कहीं हॉलैंड के थे या क्या उनके नाम पे, यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज वाले बैठे। जी अच्छा जी अच्छा जी, ये हमारी लेटेस्ट है और ये आर्किटेक्चर में थोड़ी सी ऑफ है लेकिन मॉडर्न नीड्स के लिहाज से अच्छी है, फ्लोर भी काफी है और डीप भी बहुत। सही, और इसमें हमारी नॉर्मल दो तीन बिल्डिंग्स हैं, इसमें घबराहट तो नहीं होती? इसमें घबराहट नहीं होती लेकिन बाहर ये इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि जी घबराना नहीं है, खान साहब ने इफ्तिताह कर दिया। लें जी, अब थोड़ा सा घबरा भी लें, तकरीबन साल डेढ़ साल पहले। जी अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम स्टूडेंट हाउसिंग की तरफ आ रहे हैं, हॉस्टल्स हैं इधर। अच्छा, स्टूडेंट के मेस हैं, मैसेज है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ज़बरदस्त ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट्स हैं और सारा कुछ यहाँ पे, सारे हॉस्टल हैं लाइन में, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल है और पीछे ही जिम भी है बड़ा, स्विमिंग पूल है, आपके स्क्वाश कोर्ट्स हैं अंदर। और स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है? नहीं नहीं, ये आप सामने पेरेंट्स लॉज भी है मेरे अब्बू ठहरे हुए उसमें पहले, पेरेंट्स क्योंकि गेस्ट हाउस भी था लेकिन ये मतलब प्राइस रेट डिफरेंट होता है। सही, ये थोड़ा सा चीपर है पेरेंट्स के लिए अगर मिलने के लिए आए तो। हाँ, वो एक दो रात में इसमें ठहर सकते हैं। मेरे टाइम में ये जो है ये एक छोटा और ग्राउंड था, ये अब हॉस्टल बाद में बने। सही, मुझे यहाँ से गए हुए भी 18 साल हो गए। तो हमारे टाइम में सिर्फ 6 हॉस्टल होते थे। ओके, अभी इनको मिला के 12 हैं, यानी हॉस्टल डबल हो चुके हैं और 12 में जो दो बड़े हैं वो इनमें उसमें एक में से इस तरह के कोई 3 निकलते हैं। ओके, स्टूडेंट पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है टाइम के साथ क्योंकि प्रोग्राम्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। हाँ जी, और उनकी स्ट्रेंथ भी इन्होंने इंक्रीज़ की है, फैकल्टी भी जाहिर है बढ़ाई है साथ साथ। ये मेरे लिए ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, 98 में यहाँ बस रुकी थी आके, अपारा से मैंने बस ली थी, अपना
अपना सामान में वाले मेरे सऊदीया में थे तो मैं अकेला ही आया था, उनकी बस आती थी ना नए स्टूडेंट्स को लेने, तो यहाँ उसने उतारा था और कहा कि आपका हॉस्टल वन में जाके चाबी ले ले। तो वो जाके मैंने 52/1 यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रूम 52 है जिसमें मैं 2 साल रहा हूँ, फिर मैं उधर शिफ्ट हुआ क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त उधर थे सही हॉस्टल 2 में। लेकिन ये तो है बड़ा प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारे इधर इनके ना हम ऊपर छत पे जा भी ना किनू शिनू खाते थे और गर्मी में इसी मौसम में, और इधर भी पीछे हॉस्टल 5-6 के पीछे से ना पहाड़ी की तरफ रास्ता जाता है क्योंकि वो पूरे पहाड़े से जा रहे हैं तो आप कहीं से भी ऊपर जा सकते हैं। फीलिंग आ रही है एक सीरीन इन्वायरमेंट, जब स्टूडेंट यहाँ होते हैं तब भी यानी उस तक खप नहीं होती यहाँ पे ना, कुछ गाड़ियाँ खड़ी होंगी और पुरसकून बहुत पुरसकून लगता है। ये पहले इसको हम हॉकी ग्राउंड कहते थे, ये भी ग्राउंड था। अच्छा उस टाइम पे ये खाली थी जगह, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो जिम आजकल शायद बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, मेरे स्क्वाश कोर्ट्स तो लाजमी हैं। जब से मैं अभी वापस आया तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि बंद है। किन्नू बड़े हैं इधर। हाँ इजी है, ये कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ किया हुआ है ना HEC ने, 30% तक उन्हें रुक सकते हैं जिनको इंटरनेट के मसाइल या FYP जिन्होंने ख़त्म करना है, तो वो उन्होंने हमसे परमिशन लेकर यार। ये भी हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेन जो फीचर है वो तो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, और इस तरफ जो है फिर कोर्ट्स हैं डिफरेंट गेम्स के और जिम है। अभी आपको फैकल्टी क्लब वगैरह नहीं दिखाया, वो ऊपर पहाड़ी पे जाता है सही, वो उधर जरा थोड़ी एलीट वाली पार्टी वगैरह करनी हो किसी बड़े स्पेशल को इनवाइट करना हो या इस तरह से, कोई मुशरफ वगैरह आए थे जब वो भी उधर ठहरते थे ऊपर जाते बास्केटबॉल कोर्ट है मैंने राइट किया था। यहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर या बताए 2 माह मैंने जो है वो टाइक्वांडो की क्लासें मिली हुई हैं। अच्छा इधर इसी जगह पे पेट में मुक्के खाए हुए हैं, इतने मुक्के पड़े उसके बाद मैंने कहा यार नहीं बहुत हो गया छोड़ दिया। हमारा इंस्ट्रक्टर था ब्राउन बेल्ट था, स्टूडेंट ही कराते हैं ना स्टूडेंट्स को, सीनियर जो है वो जूनियर्स को कराते हैं, उसने ये क्लब खोला हुआ था टाइक्वांडो, वो खुद ब्राउन बेल्ट था, क्या था सांस रोको रोकी मुक्का पड़ता पेट में फील हुआ हाँ तुमने सही नहीं रोकी। नहीं और वैसे भी बट के पेट पे मुक्का पड़े ये तो बहुत मुश्किल काम है, बट के पेट तो सबसे अहम ऑर्गन है। तो ये आउटडोर भी होते थे हमेशा से बास्केटबॉल के, जैसा मल्टीपल इन्होंने बनाए हैं। मज़ेदार जगह है स्टूडेंट्स के लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ है। इसका जो आपका ब्लॉक हो गया हॉस्टल की वजह से ना, वरना उधर से ना ये बड़ा प्यारा नज़र आता है, मैंने पहली बार देखा था ना बस में, वाओ ये क्या चीज़ है। इसके अंदर शायद स्विमिंग पूल होगा, ये स्विमिंग पूल वाला है खिड़कियाँ जो है। और लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही देना चाहूँगा जो भी काम करें दिल लगा के करें और मेहनत से करें और इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। एक फीस के अलावा जो है कि मेरे ना स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का काफ़ी ज़्यादा है, जो स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर रब्ता करें, खुद भी देखें प्रॉस्पेक्टस में भी, फ्रॉम 25% to 100% फी वेवर भी मिलता है, साथ उसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की होती हैं, KPK की हैं, बलोचिस्तान की हैं, तो
इस तरह एलुमनाई स्कॉलरशिप काफ़ी बड़ी है, जिसमें हम काफ़ी स्टूडेंट्स को फी वेवर देते हैं। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ फीस पर ही आएंगे, और ऑप्शंस हैं, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें और जिधर भी जाएं मेहनत से दिल लगा के काम करें। चलें, बहुत शुक्रिया।